उज्जैन के माकड़ों थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक के साथ जो गांव में निवास करता है और अपना घर का कृषि कार्य कर रहा था, उसी दौरान करीब 6 लोग हाथों में पिस्टल लेकर और लाठियां लेकर पहुंचे और काम कर रहे युवक के साथ जमकर मारपीट की और मारपीट के बाद जान से खत्म करने की धमकी देकर रवाना हो गए। मार खाए हुए युवक और ग्रामीण सहित परिवार के लोग माकड़ों थाने पर पहुंचे और लिखित में शिकायत की समस्या बताई, पर माकड़ों थाने पर युवक की सुनवाई नहीं हुई। युवक और परिजनों का कहना है कि हमारे परिवार के सदस्य के साथ करीब 6 लोगों ने मारपीट की है और पुलिस माकड़ों सिर्फ 2 लोगों के ऊपर ही मामला दर्ज कर रही है, जबकि मारपीट करने वाले 6 लोग थे। हम सुबह से आए हुए हैं और थाने पर बैठे हुए हैं, पर अभी तक हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। अब हम उज्जैन पहुंचकर SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल को लिखित में शिकायत करेंगे और पूरी परेशानी समस्या बताएंगे और मदद की गुहार लगाएंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या पूरा मामला है? हम गुरड़ा गुजर से आए थे। गुरड़िया गुजर, क्या हुआ, क्या है? अरे झगड़ा का मामला था, तो इसको रात के नेपे सोता था कांदा प्याज के, इनको ऊपर हमला किया 6 लोगों ने। क्यों मारपीट की, क्या लग रहा है? यूँ अचानक पड़े इनके ऊपर आके फायरिंग वायरिंग कर, गाँव वाले से झगड़ा दिलाओ, फायरिंग गाँव वाले से झगड़ा दिलाओ गए। अच्छा, फायरिंग की तो गोलियाँ चली? हाँ गोलियाँ चली। अच्छा, फिर क्या हुआ, आप लोगों को शिकायत होगा? आए तो थाने में भी रिपोर्ट करेंगे, 2 एक चीज लिखेंगे, 6 दिन में लिखेंगे। वो आए थे 6 लोग, 2 की भी कोई ऐसी सुबह से बैठे अभी तक कोई। जिसके साथ मारपीट की, उनका क्या नाम है? ईश्वर सिंह, गीता मोहन सिंह। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।